नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फरीदाबाद जिले के गांव भट्टू में और वहां के करणकोट किले में घुड़सवारों की घेराबंदी के अवशेष मिले हैं। बताया जा रहा है कि मरे हुए घोड़ों के साथ नर कंकाल भी मिले हैं। इसके साथ साथ कुछ हथियारों के टुकड़े। गांव वालों का मानना है कि मंदिर की रक्षा में तैनात था घुड़सवार का दल। गाँव वालों का तो ये भी मानना है कि यहाँ पर चांदी और सोने के सिक्के भी मिलते हैं, जहाँ पर विशालकाय नागों का पहरा भी रहता है। कई लोगों का यहाँ तक मानना है कि पूर्णिमा के दिन यहाँ पर कई नागों को देखा गया है। अब ये हकीकत है या फिर कोई फसाना, इसके बारे में तो जानकारी लेना आवश्यक था, इसलिए हमारे पत्रकार राजेश भांबू वहाँ पहुँचे। जी हाँ, आपको बता दें कि फतेहाबाद जिले के गाँव भट्टू में करणकोट नाम का एक किला है, जहाँ पर कुछ घुड़सवारों की घेराबंदी के अवशेष मिले हैं। इसे मैं आपको बता दें कि करणकोट किले पर हरियाणा पुरातत्व विभाग भी शोध कर रहा है और पुरातत्व की रिपोर्ट के अनुसार ही यहां पर घोड़ों के अवशेष मिले हैं और उनके साथ साथ नर कंकाल और हथियारों के काफ़ी सारे टुकड़े भी मिले हैं। अगर गांव वालों की बात पर विश्वास करें तो घुड़सवारों के साथ साथ यहाँ पर एक दस्ता भी था, जो कि यहाँ मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात था। ग्रामीणों का मानना है कि करणकोट क्षेत्र में जहाँ चांदी के सिक्के भी लगातार मिलते रहते हैं और इसी के आसपास के क्षेत्र में विशालकाय नागों का पहरा भी रहता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन यहाँ नागों को देखा गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में महाभारत कालीन ऐतिहासिक वस्तुओं के अलावा अन्य सामान भी मिला था, जो हरियाणा पुरातत्व विभाग के पास आज भी सुरक्षित है। आइए आपको कुछ ग्रामीणों से मिलाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कहानी क्या है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू के साथ इस खास रिपोर्ट में। आलमगीर जो दिल्ली के शेरशाह थे, उन्होंने इस क्षेत्र के जाटों को बड़ा ही भयानक और विकट योद्धाओं की संख्या दी है। शायद इस युद्ध में इस मंदिर को नष्ट करते हुए जाटों के जो प्रतिरोध का उसको सामना करना पड़ा था, उसी की वजह उसने जाटों को एक विशालकाय और विकट योद्धाओं की संख्या दी। ये जो मंदिर और ये महानगर जो 3 किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ है, ये मंदिर जिसके अवशेष हमें प्राप्त हुए, परकोटे, मूर्तियाँ व पूजा का जो भी सामान था, यहाँ से नकाशी किए हुए शानदार पत्थर, कम से कम 8-10 किस्म की पत्थरों का इस मंदिर में प्रयोग किया गया है। इसके चारों तरफ घुड़सवारों का एक दस्ता तैनात था इसकी सुरक्षा के लिए और काफ़ी बॉम्बर्टिंग की गई तोपों से इस नगर को नष्ट करने के लिए। यहाँ से जो आर्टिलरी, ट्रेडिशनल आर्टिलरी राउंड्स मिल रहे हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में मिले हैं, तो उनसे साफ जाहिर होता है कि यहाँ जिस भी सेना ने आक्रमण किया था इस मंदिर के ऊपर, उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। उन्हें यहाँ निपटने के लिए तोपों की जरूरत पड़ी। इस मंदिर से 8-10 तरह के अलग अलग पत्थरों के जो वस्तुएं प्राप्त हुई वो इसके भव्य होने का प्रमाण देती हैं। इसके अलावा इसके चारों तरफ जो ये घुड़सवार दस्तों के यहाँ ठीक मेरे थोड़ी दूरी पे ही मुझे एक अवशेष मिला था, जो घोड़े के साथ एक नरकंकाल था और उसके पंजर में एक लोहे की हथियारनुमा कोई वस्तु थी, जो हमने विभाग को भेजी है चेक करने के लिए। उसकी मूठ भी थी, मतलब तलवार टाइप था वो, कुछ ऐसा स्वाद टाइप था। तो इस तरीके से ये एक आश्चर्य का विषय है कि ये इतना बड़ा महानगर जिसकी दीवारें, कुएं, वाटर चैनल और ये मंदिर के पूरे अवशेष यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे इतिहास से ये गायब है, किसी लिटरेचर में पढ़ाया नहीं जाता। और जानकारी जो हमने जुटाई है स्रोतों से, उसमें आलमगीर का जो जाटों के साथ एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, जिसमें मात्र 2000 जाटों ने आलमगीर के 20,000 सैनिकों को प्रथम युद्ध में परास्त किया और दोबारा उसने एक विशाल सेना से इस शहर को तहस नहस किया और इस मंदिर का जो है इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। तो ये तमाम अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये करणकोट टिल्ला एक ऐतिहासिक टिल्ला है, जिसके ऊपर आते हैं कई बार घूमने,
यहाँ से हमें पुराने सिक्के मिले हैं और पुरानी टूटी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, और ये जो है करणकोट की दीवार है, यहाँ दो सांप रहते हैं जो पूर्णवासी के दिन निकलते हैं। यहाँ पे साथ में ही पूजा स्थल है, जहाँ जिस जगह पे पूजा करने आते हैं, यहाँ हमें काफ़ी बार सांप भी दिखाई दिए हैं। और इससे सैकड़ों साल पुराना ये टीला है, इससे हर चीज़ें निकलती हैं, कभी किसी को कुछ मिलता है, कभी कुछ ये देखने को मिलता है यहाँ। और ये बहुत ऐतिहासिक चीज़ है, इसके अंदर बहुत ही दीवारें निकलती हैं, कुएँ निकलते हैं, ये चीज़ें देखी हैं हमने। और यहाँ पे जो ये दीवार है, इस दीवार के आसपास ही सांप घूमते हैं। और इस टीले की इस साइड से और भी पुराने मटके या ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो क्या